तब एक साल की LLM को अबॉलिश कर दिया गया है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ये कहा गया कि जितने भी अलग अलग तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सबको एक ही एपेक्स बॉडी के अंडर लाया जाएगा। वो एपेक्स बॉडी थी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन लॉ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे इसके परव्यू से बाहर रखा गया, और अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर आएंगी जितनी भी लॉ के रिलेटेड स्टडीज होंगी, हायर एजुकेशन कोर्सेज होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे, सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे, सबकी रेगुलेटरी बॉडी, सबकी एपेक्स बॉडी जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी। 2 जनवरी 2021 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, एग्जीक्यूटिव, वोकेशनल, क्लिनिकल एंड अदर कंटिन्यूइंग एजुकेशन रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया। अब इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बदलाव लीगल एजुकेशन में आए हैं? पहली चीज़ तो ये कि BCI को लीगल एजुकेशन कमिटी बनानी है, और लीगल एजुकेशन कमिटी की एडवाइस पर एक स्पेशल सब कमिटी बनानी है जिनसे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जाएं। दूसरी बात ये कि मास्टर्स डिग्री जो अभी तक एक साल की भी होती थी, यानी कि LLM जो पहले एक साल की भी होती थी, अब एक साल की LLM को अबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन अबॉलिशन में भी ये कहा गया है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी एक साल की LLM की है उनकी डिग्री को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन अब के बाद मास्टर्स डिग्री जो है वो एक साल की नहीं होगी। किसी को भी अगर मास्टर्स डिग्री लॉ में करनी है तो वो कम से कम 2 साल की होगी, जिसमें 2 साल में 4 सेमेस्टर्स होंगे। और LLM में अगर आपको अपनी एनरोलमेंट करनी है तो उसके लिए भी बताया गया है कि पहले आपको ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप जाके LLM में अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। और उसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने कम से कम 3 साल की LLB या 5 साल का LLB का कोई इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री जो है वो की होनी चाहिए। BA LLB अगर आपने की है, BB LLB अगर आपने की है, BSc LLB अगर आपने की है, और कम से कम 5 साल तक ये पढ़ा है तो भी आपको मास्टर्स डिग्री में एनरोलमेंट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री किसी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच में करना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस लॉ में या ह्यूमन राइट में या इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में, तो उस डिग्री को LLM नहीं कहा जाएगा। आज के बाद इन सभी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के लिए अलग अलग नाम होंगे। अगर आपकी बैकग्राउंड लॉ में नहीं है लेकिन आप मास्टर्स डिग्री जो है इस तरीके के स्पेशलाइज्ड एक ब्रांच ऑफ लॉ में करते हैं तो आपकी डिग्री का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। अगर मास्टर्स डिग्री आप बिजनेस लॉ में करते हैं तो उसे MBL कहा जाएगा। मास्टर्स डिग्री अगर आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में करते हैं तो उसे MGPP कहा जाएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को भी कि आपने जब एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ लॉ में आपने मास्टर्स की है तो क्या आपका लॉ का बैकग्राउंड है या नहीं है। LLM डिफरेंट होगी, और स्पेशलाइज्ड ब्रांच में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं लॉ की तो उसे डिफरेंट नाम से उस डिग्री को बुलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है, यानी कि अगर आपको एडमिशन लेनी है मास्टर्स डिग्री में तो पहले आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन लॉ आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगी। इसमें भी एक वे आउट ये निकाला गया है कि जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया PGCET L का जो है स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर देती, यानी कि किस तरीके से ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, तब तक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट चल रहे हैं उन्हें क्लियर करके जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में बच्चों को एडमिशन दी जा सकती है। अब इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इन रूल्स में ये भी बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एलिजिबल होंगे कि वो किसी को भी LLM का प्रोग्राम जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में चला सकें, और कौन उनमें क्या क्राइटेरिया रहा होगा। क्राइटेरिया के हिसाब से कहा गया है कि जैसे कि आप जानते भी हैं कि UGC की भी जो गाइडलाइंस होती थी उसमें भी मेंशन किया जाता था कि अगर आपको एक स्पेशल प्रोग्राम चलाना है तो उसके क्या क्राइटेरिया होंगे यूनिवर्सिटी को, अगर कोई भी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो। टीचर स्टूडेंट रेशो को लेकर कहा गया है कि 1:10 की रेशो होनी चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की क्लास में वो भी डिफाइन की गई है कि अगर स्पेशल ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन है तो 20 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, और अगर जनरल LLM करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में तो 50 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। कमेंसमेंट ऑफ सेमेस्टर प्रोग्राम भी बताया गया है कि सेमेस्टर फर्स्ट जो सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर है वो जनवरी 15 तक शुरू हो जाना चाहिए, और जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर है सितंबर 1 तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर डेज भी डिफाइन किए गए हैं कि कितने दिन तक एक सेमेस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्या उनमें छुट्टियों को माइनस करके, एग्जाम्स को माइनस करके कितने दिन के लिए आपको कम से कम जो है वो क्लासेस लेनी है। वहीं एक और जो बड़ा चेंज जो है इसमें लाया गया है वो ये है कि अब एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी
एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। एसोसिएट प्रोग्राम के लिए कहा गया है कि इसे इक्विवेलेंट माना जाएगा मास्टर्स डिग्री इन लॉ के साथ। 3 साल के लिए अगर आप एसोसिएट प्रोग्राम करते हैं तो आपको भी जो है वो मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और इन 3 सालों के बारे में कहा गया है कि कोई भी एडवोकेट जो है वो एनरोल कर सकता है हायर स्टडीज के लिए ABCI में, एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, और वो अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूल्स बताए गए हैं उस हिसाब से अपना कोर्स पूरा कर सकता है और टेस्ट दे सकता है। तो जैसे कि डिस्टेंस कोर्स होता है उसी के पैटर्न पर जो है ये एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक हायर प्रोफेशनल एजुकेशन का ये भी एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फेलोशिप अब एक PhD के इक्विवेलेंट होगी। फेलोशिप के लिए भी बताया गया है कि एंट्री क्वालिफिकेशन या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में, LLM होनी चाहिए, या फिर ABCI एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको होना चाहिए। ये दोनों एंट्री क्वालिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद फेलोशिप के लिए डिटेल दी गई है कि कम से कम 3 साल की ये फेलोशिप होगी, उसके बाद आप थीसिस सबमिट करेंगे। जिस तरीके से PhD का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर ये फेलोशिप लाई गई है, लेकिन ये इंश्योर करने के लिए किया गया है कि जो एडवोकेट्स हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उन्हें भी चांस मिल सके कि वो हायर एजुकेशन जो है वो परस्यू कर सके। ये सारी चेंजेस जो हैं ये लाई गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जब लॉ को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो ले आया गया।